बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी ताज़ा सब्ज़ियाँ हैं, ये बहुत ही लजीज़ और टेस्टी बनी हैं। ये जो मिक्स सब्ज़ी है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। हमारी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये सब्ज़ी खाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। बस बस बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिक्स सब्ज़ियाँ बना रहे हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले आयल डालेंगे। आयल आपने अपनी मर्ज़ी से डालना है, कम या ज़्यादा डाल सकती हैं। टेबल स्पून होगा ये आयल जितना मैंने कढ़ाई के अंदर डाला है। इस आयल को गर्म होने तक फ्लेम जो है वो मीडियम रखेंगे। आयल हमारा गर्म होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर गर्म मसाला डालेंगे और उसको हल्का सा भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला मिक्स अब इसके अंदर प्याज डाल देंगे। और प्याज को ब्राउन, हल्का ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे।
सब्जी अच्छी तरह फ्राई हो जाए और सुनहरी कलर देना शुरू हो जाए। अब इसके अंदर लहसुन डालूंगी। सूर मिर्च पाउडर डालूंगी 1.5 टीस्पून। अब इसके अंदर टमाटर, थोड़ा सा पानी ताकि जो मिर्च है इसके अंदर अच्छी तरह हो जाए। अब इसके अंदर नमक डालूंगी। आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं, सूखी मिर्च भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं और नमक भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर डालूंगी हरी मिर्चें। थोड़ा सा पानी डालना, हल्दी पाउडर, अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी काली मिर्च, अब तमाम सब्जियां जो हमने काटी थी सारी इसके अंदर डाल देंगे। शिमला मिर्च डाल रही हूँ। अब इसके अंदर पालक, गाजर, अब हम इसको पहले मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर आलू और गोभी भी डाल देंगे। अब ये पत्ता गोभी डाल देंगे इसके अंदर और ये मेथी डाल देंगे। ये मेरे मटर जो है ये पीसी हैं, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँ।
पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही भाग से पक जाएंगे। बस इसको हम डांप देंगे पकने तक। पाँच मिनट हो गया सब्जियों को पकते हुए, हमने इसके अंदर पानी नहीं डाला था। ये देखिए पानी खुद ही ये सब्जियां छोड़ गई हैं। इसी तरह अगर लो मीडियम फ्लेम इसकी रखेंगे तो ये सब्जियां इसी पानी में पक जाएंगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। नीचे लगने का खदशा तो नहीं है क्योंकि पानी इसके अंदर अभी भी है और जो इसके मुकम्मल तौर पर तैयार होने के लिए काफ़ी है। मिक्स सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। अब हम ऊपर से इसका धनिया डाल लेते हैं। धनिया इसलिए एंड पर डाल दूँ ताकि इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आती रहे। अगर मैं साथ ही डाल देती तो इसकी वो खुशबू नहीं रहनी थी जो आखिर में आ रही। अब हम एक ही मिनट के बाद इसको चूल्हे से उतार लेंगे। इसकी तैयारी में 20 मिनट लिए हैं। यहाँ डालने के बाद 20 मिनट के अंदर अंदर ये सारा जो सारी तैयारी हो गई है। वाह, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। Wow, tasty! Thank you.